अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला सागर मध्य प्रदेश वैसे भ्रष्टाचार में लिप्त एडीओ जनपद पंचायत द्वारा पत्रकार पर झूठा मामला बनाकर पत्रकार की हत्या करने के संगीन मामले की गंभीरतापूर्वक जांच करने बाबत विषयांतर्गत निवेदन है कि यह कि जनपद पंचायत सागर में पदस्थ एडीओ अमन चौधरी द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया जिसके मामले में स्थानीय पत्रकार चक्रेश जैन द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। इसी को लेकर एडीओ अमन चौधरी ने विगत वर्ष पत्रकार चक्रेश जैन के ऊपर झूठ हरिजन एक्ट का मामला दर्ज कराया था जो मामला आज भी अदालत में लंबित है। उसी को लेकर दिनांक 19 जून 2019 दिन बुधवार की सुबह अमन चौधरी द्वारा राजीनामा के संबंध में चर्चा करने हेतु बुलाया गया। उसी दरमियान अमन चौधरी एवं उसके घर में मौजूद एक अन्य वक्त के द्वारा मिलकर पेट्रोल डालकर पत्रकार चक्रेश जैन को आग लगा दी गई। बाद में एडीओ अमन चौधरी ने चक्रेश जैन को जंगल में जलाते हुए छोड़कर सहायगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराने लगे एवं थाना सहायगढ़ में पत्रकार चक्रेश जैन के विरुद्ध आगजनी का झूठा मामला दर्ज करवा दिया। उसी के दौरान चक्रेश जैन के साथियों एवं स्थानीय पत्रकारों ने चक्रेश जैन की खोजबीन शुरू कर दी जिसे खोजते खोजते दोपहर 2 बजे के लगभग बेहोशी एवं जली हुई अवस्था में अमरमऊ से लगभग 3 किलोमीटर दूर नदी के पास एक झोपड़ी में मिला जिसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी के केंद्र सायगढ़ लाया गया जहां इलाज के दौरान चक्रेश जैन की मौत हो गई। यह कि पत्रकार चक्रेश जैन के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए तथा पीड़ित परिवार के सदस्य को शासन द्वारा नौकरी दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी द्वारा चुनाव के दौरान पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा की गई थी। सरकार बने हुए 6 माह बीत चुके हैं और आज दिनांक तक पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किया गया। अतः श्रीमान मुख्यमंत्री से निवेदन है कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम शीघ्र लागू किया जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पत्रकार की हत्या एवं पत्रकार पर पूर्व में लगाया गया आरोप की निष्पक्ष न्यायिक जांच शीघ्रता से कराई जाए। एडीओ अमन चौधरी पर हत्या एवं फर्जी प्रकरण दर्ज करने का मामला दर्ज किया जाए। उक्त मामले में थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका होने के चलते थाना प्रभारी पर गंभीरतापूर्वक कठोर कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार थाना प्रभारी द्वारा पत्रकारों पर फर्जी प्रकरण दर्ज न कराए जाए। शिकायत की जांच कराई जाए एवं उसके बाद ही प्रकरण दर्ज किया जाए। उक्त मामले में यदि एडीओ अमन चौधरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता है और उक्त मांगे नहीं मानी जाती हैं तो पूरे प्रदेश में पत्रकार संगठन द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आवेदक समस्त पत्रकार संघ देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश। पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद। हाँ।